ओह नो, पीछे से पूरा स्क्वाड आ रहा है। दो स्क्वाड, यहाँ पर एक बंदा जल्दी डाउन करेंगे और इसको किल कॉन्फर्म कर लेंगे। मेरे पीछे सारे स्क्वाड पड़े इधर, जल्दी जल्दी इसका मार के लूट कंप्लीट। चलो चलो इधर से जल्दी चलते हैं क्योंकि इसका स्क्वाड का बंदा मेरे पीछे अब पड़ेगा। ओह नो, पड़ चुका है, ऑलरेडी पड़ चुका है, मेरे पीछे आ रहा है वो। यहाँ पर स्क्वाड एक बंदा जल्दी डाउन करेंगे, पीछे से एक बंदा आ रहा था, इसको फिर से एक और मारेंगे। तीन बंदा डाउन, और भी बहुत सारे बंदे मेरे पीछे पड़े, तीन बंदे। आई थिंक 1 vs 6 या 7 होने वाला है। ओ ऑलरेडी आ चुका, फिर से और एक बंदे इसको करेंगे डाउन। और भी दो बंदे, कितना सारे बंदे, फिर से मारेंगे, फिर से शॉट। ओ डाउन हो गया, डाउन डाउन हुआ, और यहाँ पर फिर से डाउन। और क्या मैं मार सकता हूँ, और यहाँ पर खत्म, 1 vs 6 मार दिया मैंने। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पण गेमिंग, वेलकम टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे 5 mistakes के बारे में जो आपको नहीं करना है। आप करते हो तो भाई सोलो वर्सेस को और वाइप आउट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या सोलो वर्सेस खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना। जैसे मैंने पूरा 1 vs 6 खेला है ना, आप भी बहुत इजीली मार पाओगे, तो ज़रूर लास्ट तक देखो वीडियो को एंड अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड अभी बताते हैं कि 5 mistake जो सोलो वर्सेस स्क्वाड में आपको नहीं करना है। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड में फर्स्ट नंबर जो मिस्टेक है वो लूटिंग के ऊपर है, कि मैं यहाँ पर एक बंदे को डाउन करा तो यहाँ पर पूरा स्क्वाड है, ठीक है, तो मेरे को पीछे से 2 बंदा मार रहा है एंड मेरा हेल्थ पूरा एकदम खराब हो चुका है। क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पहले एक बंदे को डैमेज करा और सेकेंड नंबर बंदा यहाँ पर डाउन करा, तो और भी एक थर्ड नंबर बंदा है। तो मिस्टेक कहाँ पर होता है मैं आपको बताऊंगा। 2 बंदे को मैंने डाउन कर दिया, यहाँ पर थर्ड नंबर बंदे को मैंने यहाँ पर फ्रीज वाला बम फेंक दिया, तो वो बंदे का डैमेज हो रहा है, वो बंदा एकदम से बाहर निकलने की कोशिश, तो 3 नंबर बंदे डाउन। तो मिस्टेक यहाँ पर मैंने कहाँ पर करा, 3 बंदे को तो ऑलरेडी डाउन कर दिया है, तो एक बंदा अभी भी जिंदा है। तो जो बंदा मिस्टेक करता है वो सबसे बड़ा गलती होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में। जितना भी प्रो हो, एक मिस्टेक से आप मर जा सकते हो। तो जैसे भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं लूटने के लिए गया एंड तुरंत से ऊपर से उसके बंदे ने मेरे को मार दिया, लास्ट नंबर बंदा जिंदा था। तो बेसिक मिस्टेक क्या, लूट के टाइम आपको मिस्टेक नहीं करना है। आप 3 बंदे का आउट करते हो तो आप सोच रहे हो कि एक बंदा उसको हील करने के लिए दूर चला गया, कहां पर चला गया, बट ये मत सोचना। आप लास्ट तक वेट करना है, चारों तरफ देखना कि उसका बंदा है तो नहीं, तो उसका बंदा होगा तो आप मत लूट करना एंड उस बंदे को मार के उसके बाद लूट करो। तो नोटिस ऑलवेज, तो मैं बोल रहा हूँ लूटिंग टाइम ऑलवेज चारों तरफ नोटिस करो, क्योंकि जब लूट करते हैं ना सब लोग लूट में ही डूब जाते हैं कि इस पे क्या है, क्या लूंगा, क्या नहीं लूंगा, ऑब्वियसली फैक्टर है गेम का। तो इसीलिए आपको चारों तरफ नोटिस करना है, उसके बाद लूट करना है। नहीं है कोई बंदा तो लूट करो, चारों तरफ ना देख के लूटने बैठ जाओ तो आप इजीली मर सकते हो सोलो वर्सेस स्क्वाड में, क्योंकि 3 बंदे डाउन कर दिया फिर भी देख पा रहे हो। तो सेकेंड नंबर जो मिस्टेक है कि आप खुद के जगह से एस्केप करते हो कभी कभार। आपका हेल्थ फुल है, आपका लड़ाई का वक्त है कि आप लड़ाई कर पाओ, भाई आपका हेल्थ फुल है तो आप इजीली बंदे को मार पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड है, थोड़ा तो स्किल, थोड़ा तो मूवमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। बट यहाँ पर मेन बात है बंदा फुल हेल्थ से भी एस्केप करता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि फुल हेल्थ से आपको एस्केप नहीं करना है। आप देख रहे हो सामने से बंदा आ रहा है एंड आप फुल एस्केप कर रहे हो फुल हेल्थ से, तो कभी मत करो, क्योंकि आप दौड़ रहे हो ना तो एनिमी समझेगा कि आप मूव हो एंड आप डर के दौड़ रहे हो एंड वो तीनों बंदा आपके पीछे पड़ेगा एंड आपको इजीली मार देगा। तो इसीलिए मैं बता रहे हैं कि आपका हेल्थ जब फुल हो, आप मरते दम तक आप जंग लड़कर मरो, मतलब आप मर कर ही मरो, मतलब बिना मर के मरोगे ना तो भाई तुमको थोड़ा तो बुरा लगेगा और एनिमी आपको ल�ल इमोट दिखाएगा। आप मार कर मर रहे हो ना 2-3 बंदे को डाउन करके, तो बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। आप डरो मत, दौड़ो मत, जब आपका हेल्थ बहुत ही कम हो तब आप दौड़ के कवर ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आपका हेल्थ फुल दो यार तो कभी भी दौड़ के भागो मत एंड वो भागने की सिचुएशन में ज़्यादातर बंदे मर जाते हैं। आप फुल हेल्थ लेके पूरा के पूरा लड़ाई करो। 3 बंदे सामने से आ रहे थे, एक एक करके जैसे मारा तो ऐसे आपको टैकल करके मारना है और एकदम से पूरा स्क्वाड ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इन बात है कि कैसे आप स्क्वाड को आउट कर सकते हो एंड रन नहीं, एस्केप नहीं करना है। दो मेन मिस्टेक, 2 नंबर मिस्टेक है, एस्केप नहीं करना है कभी भी, लास्ट तक आपको फाइट करते रहना है। जब हेल कम हो तो बस कवर लेके हेल करना है। तो ये मेन बात होती है जो मैं खेलो सोलो वर्सेस स्क्वाड का। थर्ड नंबर जो मिस्टेक है यहाँ पर, जब उतर आप जगह उतर रहे हो तो उतरने की जगह ऑलवेज बंदे फुल होना चाहिए, मतलब बहुत सारे बंदे उतर रहे हो ऐसी जगह पर उतरना चाहिए। तो क्यों उतरना चाहिए ये मैं बताऊंगा, क्योंकि
पहले बात, आप जहां पर बहुत सारे बंदे उतर रहे हो, सोलो वर्सेस स्क्वाड बंदा वहां पर ही उतरता है क्योंकि उतरते ही उसको किल मिलता है। तो मेन मिस्टेक कुछ कुछ बंदे ऐसे करते हैं, चारों तरफ लूट वूट करते हैं, उसके बाद वो लोग सोचते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड है, दो तीन किल मार लेंगे, दूसरे स्क्वाड फाइट करेगा, हम भाई किल मार लेंगे। तो ऐसा नहीं होता कभी कभार, कभी कभार नहीं मतलब कभी भी नहीं होता कि आप फर्स्ट से लूट करते जा रहे हो लास्ट पे जाकर मर जाओ, क्योंकि गेम ऐसे चलता है ना कि फर्स्ट से आप मारना स्टार्ट करोगे तब भी आपका हाथ जो होता है गेम के लास्ट तक बहुत ओपी बन जाता है। तो मतलब फर्स्ट उतरते ही आप फाइट नहीं लोगे तो आप लास्ट तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मेन बात तो यही है, तो आपको लास्ट तक सर्वाइव करना है, लास्ट तक मार के खेलना है, तो फर्स्ट से ही आपको फाइट करना होगा, फर्स्ट फाइट टू लास्ट फाइट। तो जो लोग मिस्टेक करते हैं कि फर्स्ट फाइट नहीं लेते हैं कि फर्स्ट हम दूसरे जगह पे उतरे यार आप फाइट नहीं लेंगे, लूट करेंगे या लास्ट पे जाके मार के जीत जाएंगे, तो इसमें सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने का फायदा क्या यार? आप लड़ाई नहीं करोगे, स्किल नहीं इंप्रूव करोगे, तो ऐसे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने का, मिस्टेक करने का फायदा नहीं है। तो आप एक काम करो, जहां पर बंदे उतर रहे हो ऐसी जगह पे उतरो, लड़ाई करो, एंड तभी आपका हाथ इंप्रूव होगा, हाथ अच्छे से खुलेगा, एंड लास्ट पे जाकर आप बुया कर पाओगे। मिस्टेक ना करना कि आप पहले कुछ जगह से लूट करो और लास्ट पे फाइट करो, पहले से ही फाइट करना स्टार्ट करना होगा, फर्स्ट टू लास्ट फाइट। तो थर्ड नंबर मिस्टेक है, फर्स्ट से ही आपको फाइट करना स्टार्ट करना है, एकदम से उतरते ही पहले लूट नहीं करना है ज्यादा से ज्यादा, फर्स्ट फाइट। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड का फोर्थ नंबर मिस्टेक ये है कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं, दो चार बंदे को मारते हैं एंड मर जाते हैं। बट आप सोलो वर्सेस स्क्वाड जीतना चाहते हो तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो फर्स्ट बात ये है कि आप जब उतर रहे हो तब आप टू जोन का फाइट लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। बट आप लास्ट जोन पे जा रहे हो, बहुत सारे किल कर चुके हो पहले, लास्ट जोन पे जा रहे हो तो आपको वेट करना होगा कब बंदा फाइट करे, या आपको वेट करना होगा लॉन्ग रेंज फाइट का। लास्ट जोन पे आपको ज़्यादातर कोशिश करना एकदम लास्ट जोन से पहले वाला जोन होता है वहाँ पर लॉन्ग रेंज का फाइट लेने का, एंड वेट करने का कहाँ से बंदे आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं, आपको नोटिस करना ही करना है। सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप जीतना चाहते हो तो नहीं जीतना चाहते उतरते फाइट करो, चार पाँच बंदे को किल करो, मर जाओ। बट आप जीतना चाहते हो तो लास्ट पे ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, लास्ट पे ज़्यादातर क्लोज रेंज नहीं लेना है, लॉन्ग पे आपको फाइट लेना है तभी आप जीत सकते हो। लॉन्ग पे कवर लेके फाइट करना है, कहाँ से बंदे आ रहे हो देखना है, उस तरीके आपको जोन जाना है, उसके बाद लास्ट वन वर्सेस वन वर्सेस टू आप क्लोज रेंज पे उड़ा सकते हो। फिफ्थ नंबर जो मिस्टेक है वो परमानेंट कवर, क्योंकि आपके टाइम पे ऐसा हो चुका है कि बंदे तो स्काइलर लेके गेम पे आते ही आते हैं, तो उसके लिए आपको परमानेंट कवर लेके मारना पड़ेगा जितना हो सके। जहां पर भी आप जा रहे हो एक सामने एक परमानेंट कवर बन के चलो, या बंदा जब भी मारे आप परमानेंट कवर लेके ही फाइट करो, क्योंकि आप ग्लोअर पे फाइट करके देखो ना स्काइलर चला के आपको ग्लोअर को उड़ रहा है। मैंने देखा है आजकल के बंदे, बहुत सारे बंदे स्काइलर यूज कर रहे हैं, एंड आप दूर पे ग्लोअर लगाए हो एकदम खुले पे, आपका फोड़ दिया ग्लोअर, एंड आप क्या करोगे, मतलब सोच रहे हो एमिट टू भी मारेगा। तो इससे अच्छा तो आप परमानेंट कवर लेके खेलो, सोलो वर्सेस स्क्वाड समझ सकते हो भाई, सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको ग्लोअल फोड़ने में। तो इसीलिए ऑलवेज परमानेंट कवर लेके फाइट करो, ये मिस्टेक ना करो कि आप ग्लोअल का कवर लेके हील कर ग्लोअल का कवर लेके मार रहे हो, जितना जल्दी हो सके परमानेंट कवर से मारो जब स्क्वाड आपके ऊपर रश कर रहे हैं, जब स्क्वाड आपको मार रहे हैं, ठीक है। तो परमानेंट कवर ऑलवेज लेके खेलो। तो पांचों मिस्टेक मैंने बता दिया क्या क्या आपको फॉलो करना है, इससे आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।